दोस्तों यूनिवर्सिटी व कॉलेज की परीक्षा से जुड़ी पहली बड़ी अपडेट की बात करें तो पहली बड़ी अपडेट ये निकल के आ रही है दोस्तों, आप लोग ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर साफ साफ लिखा है कि BU, BA, BCOM, BSc और BCA फर्स्ट ईयर की परीक्षा 7 जून से प्रारंभ होंगी। साफ साफ आप लोग यहाँ पर आज की लेटेस्ट अपडेट देख सकते हैं, यहाँ पर लिखा है कि BA, BCOM, BSc और BCA फर्स्ट सेमेस्टर की परीक्षा 7 जून से प्रारंभ हो रही है। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के लागू होने के बाद पहली परीक्षा 7 जून से प्रारंभ होगी। बरकतुल्ला विश्वविद्यालय ने बैचलर ऑफ आर्ट, बैचलर ऑफ कॉमर्स, बैचलर ऑफ साइंस और बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन के फर्स्ट ईयर का टाइम टेबल घोषित कर दिया है। इस परीक्षा में 8 जिलों में 85,000 स्टूडेंट 3 पालियों में पेपर देंगे। तो कुल मिला के जो बरकतुल्ला विश्वविद्यालय में परीक्षाएं हैं वो 7 जून से प्रारंभ हो गई हैं। यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट पर टाइम टेबल अपलोड कर दिया गया, आप लोग डाउनलोड करके और उसी डेट में आप परीक्षा देने जा सकते हैं। सबसे बड़ी अपडेट की बात यही है। और दूसरी बड़ी अपडेट की बात करें इससे पहले हम आपको बता दें, जो भी यूनिवर्सिटी के छात्र, आपके अपने ही चैनल से एग्जाम की तैयारी भी कर सकते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन मैंने अपलोड कर रखे हैं। दूसरी बड़ी अपडेट हम आपको ले चलें दूसरी बड़ी अपडेट की ओर। तो दूसरी बड़ी अपडेट ये है दोस्तों, जो भी इलाहाबाद विश्वविद्यालय सेंट्रल यूनिवर्सिटी के छात्र हैं उनके लिए भी बहुत बड़ी अनाउंसमेंट है। जो भी थर्ड ईयर वाले छात्र हैं इलाहाबाद के, उनकी जो परीक्षाएँ हैं वो 7 जून से प्रारंभ हो रही हैं, 7 जून 2022 से, ठीक है, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में भी। यहाँ पर आपको ध्यान देने वाली बात यह है कि परीक्षा से संबंधित अपडेट ये है इलाहाबाद कि 7 जून से 16 जुलाई तक BA थर्ड ईयर की परीक्षाएं चलेंगी। 2 शिफ्ट में परीक्षाएं होंगी, पहली शिफ्ट सुबह 9 बजे से, दूसरी शिफ्ट 2 बजे से ऑनलाइन परीक्षाएं होंगी। MCQ यानी कि ऑब्जेक्टिव प्रश्न आएंगे, यहाँ पर साफ साफ आप लोग देख ही पा रहे होंगे, ठीक है, MCQ प्रश्न आएंगे। और यहाँ पर पेपर दोनों माध्यम में होगा, इंग्लिश और हिंदी दोनों में होगा, ठीक है। और आपको यहाँ पर ये भी जानने को मिल रहा है कि सभी सवाल का 1 नंबर होंगे, ठीक है, प्रत्येक क्वेश्चन का जो अंक निर्धारित हो 1 नंबर का होगा। तो आप लोग इसी डेट में और एग्जाम की तैयारी करके परीक्षा देने जा सकते हैं। ये 2 बड़ी अपडेट थी, और भी बड़ी अपडेट आएंगी तो हम आपको इन्फॉर्मेशन करेंगे। यूनिवर्सिटी का नाम कमेंट में ज़रूर लिख के जाइएगा, ठीक है।